विलेज काउंसिल में वो बोलते नहीं करेंगे, हमको सेकंड क्लास सिटीजन समझ के रखा है त्रिपुरा में, आप जितना दबाओगे उतना लोग उठेंगे। ये सिर्फ मेरा यहाँ त्रिपुरा का बात नहीं है, आपने मणिपुर में भी देखा क्या हुआ, वही चीज़ हर जगह में होगा। अगर आप प्यार से सबको चांस देंगे, स्पेस देंगे, जगह देंगे, सम्मान देंगे, लोग प्यार से काम करेंगे। अगर आप लोगों को दबाएंगे तो लोग, जनता, पब्लिक उठेगी। और महाराज दो दिन पहले नड्डा जी आए थे, उन्होंने एक भाषण में बोला है कि त्रिपुरा में 5.5 साल में बीजेपी का जब सरकार बना तो जनजाति के लिए बहुत कुछ हुआ है, तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन? हुआ है तो हुआ होगा, इसके लिए इतना कम सीट्स मिला जनजाति एरिया में। अगर जनजाति एरिया में बहुत काम किया होता तो जनजाति एरिया में इतना कम सीट्स क्यों मिलता? मुझसे अलायंस करने के लिए क्यों बात करते? काम आपने किया है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर, हम इज्जत करते हैं। नड्डा जी आए, उन्होंने अपना पार्टी का बात रखा है, हम नड्डा जी का भी इज्जत करते हैं, उन्होंने अपना पार्टी का बात किया है। अगर उनको जनजाति के लिए बात करना है तो जो इलेक्शन के पहले उन्हीं का, बीजेपी का घोषणा पत्र था कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, हम 125th अमेंडमेंट पास करेंगे, हम डायरेक्ट फंडिंग देंगे, हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, बहुत वादा किया था, कीजिए, करिए ना, कौन रोक रहा है? मैं तो नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन यहाँ में बहुत लोग हैं जो इलेक्शन के पहले त्रिपुरा साहब को बड़ा बड़ा बात करते हैं, नेशनल पार्टी में आ जाओ सब मिलेगा, नेशनल पार्टी में आ जाओ सब आपके हाथ में आएगा, इलेक्शन ख़त्म। अभी जो उनका प्रॉमिस है, मेरा प्रॉमिस तो छोड़ दीजिए, उनका प्रॉमिस को पूरा कीजिए ना, उनका प्रॉमिस को क्यों नहीं पूरा करते? नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग हमें सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं। आपका जो डिमांड था ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, वो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड जब तक त्रिपुरा सा जिंदा है उनके दिल के अंदर रहेगा। आज नहीं मिला है, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन एक ना एक दिन मिलेगा। ये हमारा पार्टी का कोर आइडियोलॉजी है, मैं बीजेपी का कोर आइडियोलॉजी को मैं मजाक नहीं उड़ाता हूँ, वो भी हमारा कोर आइडियोलॉजी का मजाक ना उड़ाए। ये IPFT नहीं है कि पावर में आने के बाद चुप बैठ जाएगा, हमारा जो डिमांड है वो रहेगा। आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, परसों नहीं मिला, एक ना एक दिन तो मिलेगा। और ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हिंदुस्तान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, बाहर का डिमांड नहीं है, ये डिमांड हमारे दिल के अंदर है, क्योंकि हमको लगता है कि हमारा ही राज्य में हमको अपने भाषा में एग्जाम्स लिखना नहीं दिया। नहीं, ये ऑल इंडिया का था, सब पार्टी से लोग आए थे, मैंने भी वहाँ में बात किया था अपने की, एक वहाँ में हमारा जो ड्रेसिंग होता था, तो मैंने भी इंडिया 2047 में बात किया। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस था, यहाँ में पूरे इंडिया से MLAs, कांग्रेस से, बीजेपी से, दूसरे पार्टी से, आंचलिक पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, DMK से, सब लोग आए थे, शिवसेना से भी थे, तो हम लोग सब लोग का एक कॉन्फ्रेंस था कि हम हिंदुस्तान को आगे कैसा ले जा सकते हैं और हम आने वाले दिन में डेमोक्रेसी को कैसा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके लिए हमारा कॉन्फ्रेंस था। अच्छा लगा कि एक पहले बार आंचलिक पार्टी 10 MLAs लेकर वहाँ गए, हमने भी अपना बात रखा और सब लोग त्रिपुरा में, शायद बहुत लोग हम लोगों को वो सम्मान नहीं देते हैं, लेकिन पूरे दूसरे महाराष्ट्र में जो मुझे दिखाई पड़ा कि सब लोग बात कर रहे हैं कि एक छोटा सा आंचलिक पार्टी कैसा इतना बड़ा बन गया, तो हमें शायद अगरतला से बाहर ज़्यादा सम्मान महाराष्ट्र और रेस्ट ऑफ इंडिया में मिल रहा है। दूसरे की बात है कि आज हियरिंग भी था, हाँ, वो कोर्ट का, हाँ, वो कोर्ट का मैटर है, वो उन्होंने शायद लिस्टिंग में वहाँ में कुछ टेक्निकल है, शायद कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन लिस्टिंग तो होगा। और विलेज काउंसिल इलेक्शन हमको चाहिए, अगर विलेज काउंसिल इलेक्शन वो हमें नहीं देंगे तो, मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी भी बोलता हूँ कि अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा कि गाँव का हर त्रिपुरा सा आंदोलन में आ जाएगा, क्योंकि विलेज काउंसिल इलेक्शन मोथा का इलेक्शन नहीं है, ये उनका अधिकार का इलेक्शन। आपने अगरतला में इलेक्शन करा दिया, आपने बाय इलेक्शन करा दिया, आपने असेंबली इलेक्शन करा दिया, विलेज काउंसिल इलेक्शन पहले आपने कहा कि कोरोना है इसके लिए नहीं करा रहे, उसके बाद कहा कि म्यूनिसिपल के बाद कराएंगे, उसके बाद कहा कि असेंबली के बाद कराएंगे, उस समय कहा गया कि क्योंकि ब्रू वोटर्स को नहीं रखा गया था, इसी के लिए नहीं हुआ, उन्होंने डिले जानबूझ के कराया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि त्रिपुरा को गरीब बनाकर मजबूर करके तब सरकार में तोड़ के लाए।
लेकिन पिपरासा इतना कमज़ोर नहीं है। महाराजा अपने लिए फ़ाइट नहीं कर रहा है, महाराजा अपने जाति के लिए फ़ाइट कर रहा है। और इस बार अगर हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला तो हर पिपरासा कोई भी पार्टी का हो वो ज़मीन में आएगा और डिमांड करेगा। हमारे संग बहुत खिलवाड़ किया गया है, हमको पॉपकॉर्न लिखना है रोमन स्क्रिप्ट में, वो बोलते कि भाषा में एग्जाम्स लिखना नहीं दिया जाता है। हमारे राज्य में हमारा बेइज्जती होता है, हमारे राज्य में हमें गरीब रखा जाता है, तो ये डिमांड रहेगा। और जो जनजाति मोर्चा का लीडर है उनको बोलिए कि हम ये जो फाइट डिमांड, ये जो हमारा डिमांड है वो सिर्फ एक पार्टी का डिमांड नहीं है, पूरा कम्युनिटी का डिमांड है। महाराज एक रूमर है कि मोथा बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, ऐसा कुछ है? अगर रूमर है तो रूमर को सच बनाओ, हमारा डिमांड को पूरा करो, हम जाएंगे। अगर नहीं करोगे तो हम देखेंगे। वरस कुछ लीडर बीजेपी में ज्वाइन किया? अरे जाने दो ना, पैसे के लिए किया, मैंने कल बात किया जो गए थे। हाँ, मैंने कल बात किया, बोला बुबागरा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मेरा मजबूरी है, तो जाओ मजबूरी से जाओ। कल जब आपका बेटा नौकरी करेगा और गाली खाएगा और थप्पड़ खाएगा तब वही लीडर इलेक्शन के पहले वापस आएगा और बोलेगा बुबागरा गलती हो गया। जिनको टिकट नहीं मिला वो गए, जिनको पैसा चाहिए वो जा रहे, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना लोगों को धोखा नहीं देंगे, विदाउट कंडीशन मैं नहीं जाने वाला। और मैंने उस दिन सुना मंच में शुक्ला बैठा है, मंच में IPFT का लीडर बैठा है और बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बोल रहा त्रिपुरा लैंड नहीं मिलेगा, हमको तो शर्म लगता है। यही बात NC देवबर्मा के सामने किसी का हिम्मत नहीं होता बोलने का, मेवाड़ के सामने किसी का हिम्मत नहीं होता, आज ये लोग हिम्मत से बोल रहे हैं। IPFT को भी समझना चाहिए, अपना कोर आइडियोलॉजी से कभी ना हटो। बीजेपी ने मंदिर का आइडियोलॉजी से कभी नहीं हटा, कश्मीर का आइडियोलॉजी नहीं हटा, इसके लिए आज पावर में। जिस दिन आप अपना कोर आइडियोलॉजी से हट जाओगे उस दिन आपका काउंटडाउन खत्म होने के लिए शुरू हो जाएगा। हम भाई রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে বসুন্ধরা জুয়েলার্সের বিশেষ আকর্ষণ আপনাদের জন্য থাকছে চোখ ধাঁধানো অফার সহ 19 জুন থেকে 25 জুন পর্যন্ত থাকছে বিশেষ অফার। পেয়ে যাবেন সোনার গয়নার মজুরিতে 30% ছাড়, পুরনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার পরিবর্তে সমতুল্য নতুন গয়না নেওয়ার সুযোগ, প্রতি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার। রথযাত্রার পুণ্যতিথি উপলক্ষে আসুন বসুন্ধরা জুয়েলার্সে 19 থেকে 25 জুন, সবার সাদর আমন্ত্রণ রইল। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, কামান চৌমুনি, আগরতলা। যোগাযোগ করুন 8794846959 অথবা 7642012260 নম্বরে। ভারতীয় হেসেলে খাঁটি সরিষার তেলের চাহিদা প্রচুর। ত্রিপুরায় প্রথম উৎপাদিত স্বাস্থ্যসম্মত 100% খাঁটি সরিষার তেল এবার আপনার ঘরে নিয়ে আসুন। প্রকৃতির বিশুদ্ধতায় বিশুদ্ধ প্রিমিয়াম কোয়ালিটিযুক্ত মুক্তি ন্যাচুরাল হেলদি লাইফ পিওর মাস্টার্ড অয়েল। ভালো খান, সর্বদাই সুস্থ থাকুন। মা কোকিলা ওয়েল মার্চেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, চান্দমারি, কুঞ্জবন, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন 0381-291-9903 নম্বরে। তাই আর দেরি না করে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে সুস্থ রাখতে আপনার প্রথম পছন্দ হোক মুক্তি ন্যাচুরাল হেলদি লাইফ